सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चीकू को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ये सारे मेरे मन पसंद फ्लेवर्स हैं। क्या मैं ये सारे ले लूं मॉम? नहीं चीकू। अगले दिन चीकू की टीचर ने एक ऐलान किया। इस हफ्ते के अंत में हम सब बीच पर जाएंगे। जो बच्चे इस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, वो अपना अपना हाथ उठाएं। मैं चलूंगी मिस डोरोथी। चीकू इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थी। हम सब बीच पर बहुत मस्ती करेंगे चूचू। उस दिन शाम को चीकू ने देखा कि उसकी माँ फ्रिज में कुछ आइसक्रीम रख रही हैं। आइसक्रीम? माम, क्या मैं एक ले लूं? नहीं चीकू, तुम्हें रोज आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ज्यादा खाने से बीमार पड़ सकती हो। जब चीकू की माँ रसोई से बाहर गई, तो चीकू ने एक बड़ी शरारत कर दी। क्या तुम्हें चाहिए? अगले दिन जब कोई आसपास नहीं था, तो चीकू ने एक और आइसक्रीम ले ली। और उसके अगले दिन उसने एक और आइसक्रीम खा ली। जल्द ही बीच ट्रिप वाला दिन भी आ गया। चलो चीकू, अब उठ जाओ। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। चीकू की तबीयत बिगड़ गई। पर आज के दिन तो सारे बच्चे बीच पर जाने वाले हैं। मुझे माफ करना चीकू, पर आज तो तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा। चीकू बीच ट्रिप पर नहीं जा पाई। पता नहीं तुम इतनी बीमार कैसे हो गई चीकू। माम, आपने जो आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी, उनमें से मैंने कुछ खाई थी। असल में मैंने रोज एक खाई थी। ओह चीकू, काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। इसी वजह से तुम बीमार पड़ी। इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर तुम एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज का लालच अच्छा नहीं, खासकर जब मैंने मना किया हो। अगले दिन चीकू की तबीयत ठीक हो गई। कैसी हम? चीकू की माँ उसे घुमाने ले गई। उसके लिए एक सरप्राइज भी था। हाय चीकू। चूचू, चाचा, खसली, वाह क्या सरप्राइज है!
दिन चीकू ने बीच पर एक शानदार दिन बिताया और उसने अपना वादा भी पूरा किया कि वो किसी चीज के लिए ज्यादा लालच नहीं करेगी। चूचू का एक दांत हिल रहा था और वो उसे लेकर परेशान थी कि जब वो टूटेगा तो क्या होगा। माँ, मेरा दांत हिल रहा है, क्या ये टूट जाएगा? हाँ चूचू, तुम्हारा हिलने वाला दांत दूध का दांत है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, दूध के सभी दांत गिर जाते हैं। मैं अपने दूध के दांत का क्या करूं जब ये टूट जाएगा? तुम इसे चुतफेरी के लिए छोड़ सकती हो। वो इसे ले जाएगी और बदले में तुम्हें तोहफा दे देगी। कौन चुतफेरी? वो मेरे दांत के साथ क्या करेगी? वो इसे आसमान में ले जाकर उसे एक तारे में बदल देगी। तुम्हारा दांत चमकेगा और रात में रोशनी करेगा। चूचू टूथ फेरी के बारे में सोचती रही और उसने अपने हिलते हुए दांत के बारे में सोचना बंद कर दिया। उस दिन बाद में चूचू ने खाने के लिए एक सेब उठाया और जैसे ही उसने उसे दांत से काटा, उसका दांत टूट गया। हाँ? माँ, देखो, मेरा दांत टूट गया। चूचू और उसकी माँ ने उस दांत को धोया। तुम्हें ये दांत अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। जब तुम आज रात सोने जाओगी, चुतफेरी आएगी और इसे ले जाएगी जब तुम सो रही होगी। वो तुम्हारे दांत को एक सितारे में बदल देगी और कुछ ही समय बाद तुम्हारा नया दांत भी आ जाएगा। वो नया दांत मजबूत होगा और जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। सोने से पहले चूचू ने वो दांत तकिए के नीचे रख दिया। अलविदा नन्हे दांत, टूथ फेरी आएगी और तुम्हें ले जाएगी। मैं तुम्हें देखूंगी जब तुम तारे बन जाओगे। फिर चूचू को जल्दी ही नींद आ गई। जब वो सुबह जागी तो उसने देखा कि उसका दांत तकिए के नीचे नहीं था। हाँ? उसने देखा कि उसके तकिए के पास एक तोहफा भी रखा है जो एक चमकीले कागज में लिपटा हुआ था। हाँ? यहाँ पर तो एक तोहफा है, पर ये किसके लिए होगा? चुतफेरी ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा है चूचू। उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी है। सच में? चूचू ने जल्दी से उस तोहफे को खोला। उसमें एक खूबसूरत गुड़िया थी, उसके साथ एक अच्छा सा नया टूथ ब्रश भी था। कितनी प्यारी गुड़िया है, और ये टूथब्रश भी बहुत अच्छा है। पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा है। फिर चूचू ने वो चिट्ठी पढ़ी। प्यारी चूचू, तुम्हारा दांत अब एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है। उसकी जगह तुम्हारा एक नया दांत आ जाएगा। तुम्हें उसे मंजन करना होगा और बाकी सभी दांतों को भी अच्छे से, दिन में दो बार। तुम्हें दूध जरूर पीना चाहिए और खूब सारे फल और सब्जियाँ भी खानी चाहिए। यही सबसे बढ़िया तरीका है अपने दांतों का ख्याल रखने का। चूचू ने अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखा। उसने दिन में दो बार ब्रश किया और जब भी वो तारों को देखती तो ये सोचती कि उनमें से उसका दांत कौन सा है। चाचा डॉक्टरों से बहुत डरता था। वो हमेशा डॉक्टर के पास जाते वक्त नखरे दिखाता था।
चाचा, ये सिर्फ एक चेकअप है। नहीं मॉम, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं। एक दिन चाचा की माँ को याद आया कि चाचा को टीका लगवाने का वक्त आ गया है और ये बहुत जरूरी दवाई है जो उसे स्वस्थ रखने में मदद करेगी। इसलिए चाचा की माँ चाहती थी कि चाचा डॉक्टर के पास जाए, पर वो जानती थी कि चाचा नखरे करेगा, तो वो मिस डॉर्थी से बात करने गई, जो चाचा की पसंदीदा टीचर हैं। मिस डॉर्थी, मुझे आपकी मदद चाहिए। चाचा के टीकाकरण का समय हो गया है, पर वो डॉक्टर के पास जाने से डरता है। फिक्र मत करिए, चाचा का ये डर हम खत्म कर सकते हैं। उस दिन मिस डॉर्थी चाचा की क्लास में गईं। बच्चों, क्या तुम में से कभी कोई बीमार पड़ा है? अपने हाथ ऊपर करो अगर पड़े हो तो। बहुत से बच्चों ने अपने हाथ उठाए। चाचा ने भी अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बीमार होना पसंद है चाचा? नहीं मिस डॉर्थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? हमें बताओ चाचा। क्योंकि मैं खेल नहीं पाता जब मैं बीमार होता हूँ। मैं स्कूल भी नहीं आ पाता और मुझे कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो बहुत ही कड़वी होती हैं। वो बहुत बुरी होती हैं मिस डॉर्थी। मुझे बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर तो तुम्हें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए चाचा। हाँ, वो क्या होता है मिस डॉर्थी? फिर मिस डॉर्थी ने क्लास में पूछा कि क्या किसी को टीकाकरण के बारे में पता है? बच्चों, क्या तुम में से किसी को पता है कि टीकाकरण क्या होता है? चीकू ने अपना हाथ उठाया। मैं जानती हूँ टीकाकरण क्या होता है मिस डॉर्थी। वो एक दवाई है जो डॉक्टर बच्चों को देते हैं। ये उन कीटाणुओं को रोकती है जो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करते हैं। मिस डॉर्थी चीकू के जवाब से बहुत खुश थीं। बिल्कुल सही कहा चीकू। तो बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या तुम में से किसी ने कभी टीकाकरण करवाया है और फिर कैसा महसूस हुआ? इस बार चीका ने अपना हाथ उठाया। मुझे बहुत से टीके लगे हैं मिस डॉर्थी। टीका लगने पर ऐसा लगता था जैसे चींटी काट रही हो। हाँ, जैसे चींटी काट रही हो। हाँ चाचा, वो डॉक्टर बहुत ही विनम्र थे, तो उनके टीका लगाने से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे चुटकुले भी सुनाए और टॉफी भी दी। उनसे मिलने के बाद मुझे खुद पर बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं डॉक्टर से डरता था, वो भी बिना किसी बात के। सच में? फिर मिस डॉर्थी ने चाचा से बात की। चाचा, मुझे उम्मीद है कि तुम डॉक्टर से नहीं डरोगे और ये भी कि तुम याद रखोगे
कि टीका लगना बिल्कुल एक चींटी के काटने जैसा होता है। उस दिन जब चाचा घर गया तो उसने अपनी माँ को हैरान कर दिया। माँ, पता है, अब मुझे डॉक्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ना ही टीकाकरण से। मैं ये बात जानकर बहुत खुश हूँ चाचा। उस दिन बाद में चाचा की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। वो बहुत ही मिलनसार आदमी थे और चाचा को वो एकदम से पसंद आ गए। कैसे हो चाचा, क्या तुम अपने टीके के लिए तैयार हो या फिर तुम पहले खेल खेलना चाहते हो? मैं अपने टीके के लिए तैयार हूँ डॉक्टर, उसके बाद ही हम खेल खेलेंगे। और फिर इस तरह डॉक्टर ने चाचा को टीका लगाया। टीका ने सही कहा था, टीका बिल्कुल चींटी के काटने जैसा था, उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने चाचा को एक तोहफा दिया जो पहेलियों की एक किताब थी। ये तुम्हारे लिए है चाचा। धन्यवाद डॉक्टर, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। फिर चाचा ने डॉक्टर को हैरान कर दिया। उसने अपने हाथ से बनाया एक कार्ड उन्हें दिया। ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपको धन्यवाद कहने के लिए कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। धन्यवाद तुम्हारा चाचा। चाचा की माँ बहुत खुश थी। चाचा अब डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल नहीं डरता था। और अब जब चाचा ने अपना टीका लगवा लिया था, वो बीमार भी नहीं पड़ेगा और तंदुरुस्त भी रहेगा। जूजू के पास एक प्यारा सा पपी था जिसका नाम बबल्स था। जूजू को बबल्स से बहुत प्यार था। जूजू उसे हर रोज बगीचे में घुमाने ले जाती। जूजू उसे साफ सुथरा रखा करती। शुभ रात्रि बबल्स, स्वीट ड्रीम्स। जूजू अपने पापा को बबल्स को वेट के पास ले जाने को भी कहती। आज सोमवार है डैडी, हमें बबल्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। बिल्कुल सही चूचू। वेट यानी जानवरों का डॉक्टर। वो ये ध्यान रखता है कि बबल्स हमेशा स्वस्थ रहे। वेट बबल्स के साथ बहुत अच्छे थे। वो उसे कुछ खास खाने की चीजें भी दिया करते थे। यहाँ आओ बबल्स, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिस्किट हैं। शाबाश। बबल्स अब वेट से डरता नहीं था और उसे अब जांच करवाना अच्छा लगता था। बबल्स को अब इंजेक्शन लगवाने में भी डर नहीं लगता था। बहुत अच्छे बबल्स, शाबाश। वेट ने चूचू को बताया कि बबल्स को क्या खाना खिलाना है। चूचू, एक बात याद रखना, बबल्स को वही खाना देना जो पपीज के लिए हो, उसे वो मत खिलाना जो हम खाते हैं। बबल्स इंसानों का खाना खाकर बीमार पड़ सकता है। मैं याद रखूंगी। एक दिन चूचू का दोस्त कसली चूचू और उसके दोस्तों के साथ खेलने आया। हाय, सब कैसे हो? हाय कसली। चूचू की माँ मिसेस चार्ली ने बच्चों के लिए पिज्जा बनाया। पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बबल्स भी देखने आया कि बच्चे क्या खा रहे थे। कसली ने देखा कि बबल्स उन्हें देख रहा था और उसने उसे पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया।
हाय बबल्स, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें थोड़ा पिज्जा चाहिए? ये लो एक स्लाइस। चूचू ने देखा कि कसली बबल्स को कुछ खिला रहा था। चूचू ने कसली को एकदम से रोका। कसली, प्लीज बबल्स को पिज्जा मत दो, ये पिज्जा हमारे लिए है। बबल्स तो पपीज के लिए बना खास खाना खाता है, अगर वो हमारा खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ? कुछ समय बाद बबल्स ने खेलना बंद कर दिया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। हाँ? चूचू ने जल्दी से मिसेस चार्ली को बुलाया। माँ, जल्दी आओ, बबल्स रो रहा है। अरे नहीं, बबल्स को अच्छा नहीं लग रहा होगा, चलो इसे वेट के पास लेकर चलते हैं। मिसेस चार्ली और चूचू उसे जल्दी से वेट के पास लेकर गए। बबल्स रो रहा है डॉक्टर, मुझे लग रहा है ये बीमार है क्योंकि इसने पिज्जा खा लिया। तुमने सही कहा चूचू, इंसानों का खाना खाने से इसके पेट में दर्द हो गया है। वेट ने बबल्स को कुछ दवाई दी। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे बबल्स। फिर वेट ने चूचू को बताया कि क्या करना है। चूचू, तुम्हें ये दवाई बबल्स को रोज देनी होगी, पूरे एक हफ्ते तक। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ पपीज वाला खाना खाए। मैं दे दूंगी, धन्यवाद। जब चूचू और मिसेस चार्ली घर आए तो कसली उनका इंतजार कर रहा था। वो बबल्स को लेकर बहुत परेशान था। चूचू, बबल्स ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे माफ करना, मैंने उसे पिज्जा खाने को दिया, मुझे नहीं पता था वो उससे बीमार हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बबल्स। चूचू ने बबल्स का खूब ख्याल रखा और उसे दवाई भी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेट ने देने को कही थी। जल्द ही बबल्स का पेट ठीक हो गया और वो अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी खुशी भौंकने भी लगा। ओह बबल्स, अब तुम बेहतर लग रहे हो। हाँ चूचू, बबल्स अब ठीक है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार से बबल्स ठीक हो गया। बबल्स को भी समझ आ गया कि चूचू उससे कितना प्यार करती है और इसलिए बबल्स ने चूचू को प्यार से चाटा। वो उसका तरीका था चूचू को धन्यवाद कहने का। थोड़े दिनों बाद चूचू बीमार हो गई। अच्छू, अच्छू। चूचू को घर पर रहना पड़ता था। वो दोस्तों के साथ खेलने की कमी के कारण अकेला महसूस करती। बबल्स ने देखा चूचू कितना अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक बॉल ले आया और चूचू के साथ खेलने लगा। हाँ, तुम बॉल से खेलना चाहते हो बबल्स? ठीक है। चूचू और बबल्स ने उस शाम बहुत मजे किए और फिर चूचू को अपने दोस्तों की याद भी नहीं आई। तुम्हारे साथ खेलकर मैं बहुत खुश हूँ बबल्स, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चूचू जो भी करती उसमें अव्वल रहती। कई बार उसने प्रतियोगिताओं में पहला इनाम भी जीता। और पहला इनाम जाता है चूचू को। हुरे! एक दिन चूचू की टीचर मिस डॉर्थी ने चूचू की कक्षा में पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में बताया। बच्चों, कल विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है, जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा।
चूचू बहुत उत्साहित थी पेंटिंग प्रतियोगिता को लेकर। वो जानती थी कि वो ही जीतेगी। मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ। मैं सबसे अच्छा चित्र पेंट करूँगी और इनाम भी जीतूंगी। अगले दिन सभी बच्चे अपने रंग और ब्रश लेकर स्कूल आए। मिस डॉर्थी ने सभी को शीट्स दी और फिर बच्चों, तुम सबको बनाना है एक जंगल। जैसे ही तुम खत्म कर लोगे, फिर जजेस उन्हें देखकर सबसे अच्छी पेंटिंग को इनाम देंगे। और फिर चूचू और सारे बच्चों ने एक जंगल की पेंटिंग बनानी शुरू की। जब चूचू की पेंटिंग बन गई, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। मेरा जंगल कितना सुंदर है, और फिर वो मुझे इनाम भी देंगे। चूचू और सभी बच्चों ने अपनी अपनी पेंटिंग मिस डॉर्थी को दे दी। मिस डॉर्थी ने सभी पेंटिंग्स को दीवार पर टांग दिया और फिर जजेस ने उन चित्रों को बड़े ध्यान से देखा। समय बाद जजेस ने विजेता की घोषणा की। सबसे अच्छी पेंटिंग का इनाम मिलता है चीका को। हुर्रे! चूचू ये जानकर बहुत दुखी हो गई। मुझे लगा मेरा चित्र बहुत सुंदर था। पता नहीं जजेस ने मुझे इनाम क्यों नहीं दिया। चूचू मिस डॉर्थी के पास गई। मैंने इनाम क्यों नहीं जीता मिस डॉर्थी? क्या मेरा चित्र अच्छा नहीं था? मिस डॉर्थी जानती थी कि चूचू को कैसा लग रहा था और फिर वो चूचू को सभी चित्र दिखाने ले गईं। चूचू, तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा था, पर मैं तुम्हें दूसरे बच्चों के भी चित्र दिखाती हूँ। मिस डॉर्थी ने चूचू को सभी बच्चों के बनाए चित्र दिखाए और चूचू ने देखा कि वो सभी बहुत सुंदर थे। हाँ, ये सभी चित्र बहुत अच्छे हैं। मिस डॉर्थी ने फिर चूचू को चीका का चित्र दिखाया। चूचू, ये देखो चीका की पेंटिंग। वाह मिस डॉर्थी, चीका की पेंटिंग तो बहुत सुंदर है। हाँ चूचू, जजेस को भी ये पसंद आया। और क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चित्र को इनाम देना था, इसलिए उन्होंने इसे चुना। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए चूचू, कि हम बहुत बार अच्छे होते हैं, पर और भी बहुत लोग हैं जो हमसे भी अच्छे हो सकते हैं। और इसीलिए हमेशा अव्वल आना या जीतना मुमकिन नहीं होता। समझी? समझ गई मिस डॉर्थी। हाँ चूचू, पर याद रहे, तुम्हें कभी हार नहीं माननी और अपनी कोशिश जारी रखनी है।
ताकि तुम बेहतर और बेहतर हो सको। चूचू को अब इनाम ना जीतने पर बुरा नहीं लग रहा था और उसने ज्यादा अभ्यास करने की ठानी ताकि वो अगली प्रतियोगिता में बेहतर कर सके। चीका एक प्यारा लड़का था, पर वो अपनी उन सारी चीजों को फेंक देता था जो थोड़ी पुरानी या खराब हो जाती थीं, और फिर वो अपनी माँ को उनके बदले नई चीजें लाने को कहता। माँ, मुझे ये जैकेट नहीं चाहिए, इसका बटन टूट गया है, प्लीज मुझे एक नई दिलवा दो। मुझे एक नई टॉय कार भी चाहिए, इसमें खरोच पड़ गई है। चीका का ये व्यवहार देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगी। चीका, तुम अपनी चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक सकती क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो गई हैं। तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। आखिरकार ये चीजें तुम्हारे पास बहुत समय से हैं और तुमने इनसे खूब खेला भी है। हम जैकेट में नया बटन लगा सकते हैं और गाड़ी को भी पेंट कर सकते हैं। पर चीका ने एक नहीं सुनी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नई चीजें चाहिए। उसने अपनी पुरानी चीजें एक तरफ रख दी और उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक दिन चीका ने अपनी माँ को एक लाल ड्रेस पहने देखा, वो बहुत पुरानी लग रही थी। चीका ने देखा कि उस ड्रेस पर एक चेपी भी थी। हाँ, माँ ने वो ड्रेस क्यों पहनी, वो कितनी पुरानी लग रही है। चीका ने सोचा कि माँ से उस ड्रेस के बारे में पूछे। माँ, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी, ये बहुत पुरानी लग रही है, आपको इसे फेंक देना चाहिए और एक नई ड्रेस लेनी चाहिए। चीका की माँ मुस्कुराई। नहीं चीका, मुझे इस ड्रेस से प्यार है, ये मेरी पसंदीदा है, ये मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारे पापा इसे तब लाए थे जब तुम पैदा हुए थे। सच में? हाँ चीका, और तुम्हें पता है मैंने इसे पहली बार कब पहना था? कब माँ? तुम्हारी पहले जन्मदिन पर। सच में? हाँ चीका, लाल तुम्हारा पसंदीदा रंग था जब तुम छोटे थे, और जब भी तुम मुझे इस ड्रेस में देखते थे तो बहुत खुश होते थे और हर बार खुद को गोदी में लेने को कहते थे जब भी मैं ये ड्रेस पहनती थी। चीका की माँ ने उसे ड्रेस के बारे में और भी बातें बताई। चीका, जानते हो जब तुमने बोलना सीखा ही था तब तुम इस ड्रेस की तरफ उंगली करके लाल बोला करते थे। मुझे याद आया। चीका की माँ ने उसे उसके पहले जन्मदिन की तस्वीरें दिखाई, जिसमें उसने देखा कि वो उस लाल ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। देखो माँ, आप इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी। और तुम अपने आप को देखो चीका, कितने गोलू मोलू और प्यारे थे, बिल्कुल एक टेडी बेयर की तरह। और देखो, तुमने मेरी लाल ड्रेस को कैसे पकड़ा हुआ है। हाँ। चीका समझ गया कि क्यों उसकी माँ ने उस ड्रेस को इतने सालों से संभाल के रखा था। मैं जब भी इस ड्रेस को पहनती हूँ चीका, मुझे वो सारे सुहाने पल याद आ जाते हैं जो हमने साथ में बिताए थे, और फिर मुझे इस ड्रेस से और प्यार हो जाता है।
मुझे आपसे प्यार है माँ, और इस ड्रेस से भी। प्लीज इसे फिर से पहनना और अब इसे कभी भी मत फेंकना। ओ, नहीं फेंकूंगी चीका। उस दिन चीका ने सीखा कि भले ही उसके कपड़े या खिलौने कितने ही पुराने या खराब हों, उनसे प्यार करना चाहिए। और अगर कपड़े थोड़े फट जाएं तो चीका ने उन्हें ठीक कर लिया और इस्तेमाल करने लगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई और मुझे ये जैकेट भी बहुत पसंद है। ये मुझे हमेशा गर्म रखती है। चीका हमेशा जल्दबाजी में रहता था। वो जल्दबाजी में ब्रश करता, नहाता भी जल्दी से, कपड़े भी जल्दी जल्दी पहनता और जल्दी जल्दी खाना भी खाता। इसी वजह से वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता और बहुत सारी गलतियां करता। चलो आओ चीकू, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। रुको चीका, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? और क्या तुमने दूध पी लिया? अपना काम तसल्ली के साथ किया करो ताकि एक ही बारी में काम ठीक से हो जाए। हाँ। एक दिन चीका की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम अगले हफ्ते एक टैलेंट शो करने वाले हैं। तुम सबको उसमें भाग लेना चाहिए। तुम नाच सकते हो, गा सकते हो और कविता भी सुना सकते हो, या सबको ये भी दिखा सकते हो कि तुम कैसे जूडो कराटे करते हो। पर प्लीज उसका अभ्यास जरूर करना, ये देखने के लिए कि सब तैयार हैं। हम इस हफ्ते के अंत में पूर्वाभ्यास करेंगे। चीका बहुत जोश में था। वो कराटे सीख रहा था और सबको अपनी ये कला दिखाना चाहता था। पर हर बार की तरह उसने कुछ ही समय अभ्यास किया पूर्वाभ्यास से पहले। हैया, 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 हैया। चलो बहुत हो गया अभ्यास। मुझे पता है कि मैं रिहर्सल्स के वक्त अच्छा करूंगा। पर चीका की माँ को लगा कि उसे और अभ्यास की जरूरत है। इतना काफी नहीं है चीका, तुम्हें थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ही तैयारी का सही तरीका है और अपने दाव पेच याद रखने का भी। ओ माँ, अभी नहीं, मैं अभी खेलना चाहता हूँ। चीका ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसने खूब अभ्यास कर लिया है। पूर्वाभ्यास वाले दिन सभी बच्चों ने अच्छे से अपनी कलाएं पेश की। बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन आओ ना। अगली बारी चीका की थी। पर जैसे ही वो मंच पर गया, उसे लगा कि वो अपने सारे पैतरे भूल गया है। हाय, ओ नहीं, मैं अपने दाव पेच भूल गया। चीका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक कोने में अकेला जाकर बैठ गया। मुझे अपने दाव पेच याद क्यों नहीं रहे? मिस डॉर्थी की नजर चीका पर पड़ी। वो उसके बगल में बैठ गई। चीका, मुझे नहीं लगता तुमने अच्छे से अभ्यास किया था। चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल होता है अगर तुम अभ्यास न करो तो। पर अगर तुम अभ्यास करते हो तो न केवल तुम्हें अपने पैतरे याद रहते, बल्कि तुम जो भी करोगे
उसमें अव्वल रहोगे। क्या ये बात सही है मिस डोरोथी? हाँ चीका, अब सुनो, अभी भी टैलेंट शो होने में कुछ दिन बाकी हैं। अगर तुम समय निकालकर रोज अभ्यास करोगे तो शो वाले दिन तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है मिस डोरोथी, मैं करूँगा। चीका ने टैलेंट शो के आने वाले दिन तक हर दिन अभ्यास किया। वो अपना अभ्यास लगातार करता रहा निर्लक्ष्य से भटके। चीका, मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? नहीं चीकू, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। जल्द ही टैलेंट शो का दिन आ गया। बारिश बारिश जाओ ना, और किसी दिन आओ ना। जब चीका की बारी आई वो मंच पर गया। और उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सभी ने चीका का प्रदर्शन पसंद किया और चीका ने इनाम भी जीता। ये तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था चीका, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है तुमने बहुत अभ्यास किया होगा। धन्यवाद। उस दिन के बाद से चीका हमेशा अभ्यास करता और वो निश्चित करता कि इस बात के लिए हमेशा समय निकाले और ये कि उसका ध्यान न भटके। इसी वजह से वो जो भी करता उसमें अव्वल रहता। हैया, 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 हैया। जिंगो एक नन्हा हाथी था, वो जंगल में रहता था। एक दिन जिंगो घूमने के लिए निकला। ला 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 ला। वो चलते चलते दूर जंगल के किनारे तक पहुंच गया। वहां जंगल के छोर पर एक घर था। जिंगो ने देखा कि कुछ बच्चे बगीचे में एक बाथटब में नहा रहे हैं। अरे वाह, ये सारे बच्चे तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं। मुझे भी एक बाथटब चाहिए। जब जिंगो घर पहुंचा, तो उसने अपनी माँ से एक बाथटब मांगा। माँ, क्या मुझे एक बाथटब मिलेगा प्लीज? मैं उन बच्चों की तरह मौज मस्ती करना चाहता हूँ जिन्हें मैंने जंगल में देखा था। हाँ? जिंगो की माँ ये सुनकर हैरान रह गई। पर जिंगो बेटा, तुम एक हाथी हो, बाथटब बहुत छोटा होता है, तुम उसमें नहीं आ पाओगे। जिंगो जिद करने लगा। मैं आ जाऊंगा माँ, प्लीज मुझे एक बाथटब चाहिए प्लीज। तो जिंगो की माँ एक बाथटब बनाने के लिए राजी हो गई। जिंगो बाथटब देखकर इतना खुश हुआ कि उसने फौरन उसमें छलांग लगा दी। मुझे बाथटब मिल गया, हुर्रे! पर उसकी माँ ने सही कहा था, जिंगो के लिए वो बाथटब छोटा था।
जिससे सारा पानी बाहर निकल गया। और तो और, चिंगो उस बाथटब में फंस भी गया। आओ, बचाओ, मैं फंस गया। जंगल के सारे नन्हे जानवर जिंगो का मजाक उड़ाकर हंसने लगे। जिंगो, तुम तो बहुत ही कमाल की हो। जिंगो बहुत निराश हो गया। वो चाहता था कि वो भी पानी में खेले कूदे, मस्ती करे। उसे एक झील तक ले गई। जरा इस झील को तो देखो जिंगो, ये एक बड़े से बाथटब जैसा ही तो है, है ना? इसमें ठंडा और साफ सुथरा पानी है। तुम इस झील में नहा भी सकते हो और दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हो। हाँ जिंगो, हम सब भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ तो जिंगो ने झील में छलांग लगा दी। जल्द ही जिंगो के सारे दोस्त भी झील में पहुंच गए। ये झील तो कमाल की है। ये बाथटब से ज्यादा बड़ी भी है और ज्यादा अच्छी भी है, है ना? सबने खूब मौज मस्ती की। फिर जिंगो ने कुछ ऐसा किया जिससे झील में नहाना और मजेदार हो गया। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और अपने दोस्तों पर पानी का फव्वारा मारा। जिंगो और उसके दोस्तों का वो दिन बहुत मजेदार गुजरा। और जिंगो शुक्रगुजार था अपनी माँ का, जिन्होंने उसको ये झील दिखाई। उन्होंने सही कहा था, ये बहुत बड़ी थी और बाथटब से कहीं ज्यादा मजेदार थी।